नमस्कार, मैं हूं निर्मल राजपूत और आप देख रहे हैं कैंपस खबर। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग्स और एकेडमी से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलेगी कैंपस खबर पर। ब्रज क्षेत्र के 16 कन्या विद्यालयों में परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षाओं की तैयारियों को जोर शोर से किया जा रहा है। जिन बालिका विद्यालयों में परीक्षाओं का दौर शुरू होगा उनकी तारीख भी तय कर ली गई है। ब्रज क्षेत्र के 16 कन्या विद्यालयों में आयोजित होने वाली 10 अक्टूबर से परीक्षाओं के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री विद्युतमार राजपूत ने बताया। मैं बताएं, ब्रज क्षेत्र में बालिका विद्यालयों में एग्जाम होने हैं, किस डेट के एग्जाम की डेट रहेगी, क्या तैयारियां चल रही हैं और कितने ब्रज क्षेत्र में ऐसे स्कूल हैं बालिका जिनमें एग्जाम होने हैं। विद्या भारती के अंतर्गत आने वाली एक समिति है, भारतीय शिव विद्या परिषद, जो क्षेत्रीय समिति है। तो उस क्षेत्रीय समिति के अंतर्गत ब्रज क्षेत्र में 16 विद्यालय, बालिका विद्यालय आते हैं, जो पूर्णतः बालिका विद्यालय हैं। उनमें से कुछ CBSE बोर्ड के विद्यालय हैं, तो CBSE बोर्ड के का एग्ज़ाम पैटर्न वो अलग रहता है, तो वो हम अलग समिति से करवाते हैं। बाकी 10 अक्टूबर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं का खाका खींच लिया गया है। CCTV कैमरे की निगरानी में यह परीक्षाएँ संपन्न कराई जाएंगी। ब्रज क्षेत्र के 16 बालिका विद्यालयों में परीक्षा कराने का जिम्मा भारतीय श्री विद्या परिषद ने लिया है और संस्था की मंत्री ने यह जानकारी कैंपस खबर से साझा की। बाकी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अंतर्गत आने वाले जो विद्यालय हैं उनकी परीक्षा तिथि अर्धवार्षिक की वो 10 अक्टूबर प्रस्तावित है। कब तक चलेंगे ये एग्जाम? ये 22 अक्टूबर तक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 10 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक होंगी और पूरी तैयारियों का खाका खींच लिया गया है। तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारी किस स्तर पर? प्रश्न पत्र निर्माण चल रहा है, बाकी विद्यालयों में सूचना है, सूचना दी जा चुकी है, टाइम टेबल तैयार है और अभी 2-3 दिन में सारी चीज़ें अपडेट करके और विद्यालयों में सूचना भेज दी जाएगी। ब्रज क्षेत्र के जिन बालिका विद्यालयों में परीक्षाओं का आयोजन होना है उन विद्यालयों को सूचना दे दी गई है और सभी विद्यालयों से टाइम टेबल मांगा जा रहा है ताकि टाइम टेबल को सही कर उन्हें विद्यालय में परीक्षाएं संपन्न कराने में व्यवधान उत्पन्न ना हो और सभी परीक्षाएं सकुशल संपन्न कराई जा सकें। टाइम टेबल की अगर अभी बात आपने कही है, टाइम टेबल क्या रहेगा एग्जाम का? टाइम टेबल हम विद्यालयों से ही मंगवाते हैं उनकी सुविधा के अनुसार से, कि वो अपने सब्जेक्ट और उनके जो विषय हैं उसके हिसाब से टाइम टेबल बना देते हैं। उसमें जो एक आम सहमति बन जाती है वो टाइम टेबल हम प्रस्तावित कर देते हैं।